wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. So ye hai gaadi ki kuch before look aapko dikha. हेलो एवरीवन, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को कम से कम 20 साल पुरानी मारुति 800 दिखाने वाला हूँ, जिसमें कस्टमाइजेशन हुआ है वो नेक्स्ट लेवल का हुआ है। ये गाड़ी जिन कस्टमर की थी वो बहुत अटैच थी इस गाड़ी से। मैं आपको इस गाड़ी को दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये 20 ईयर्स ओल्ड गाड़ी है और इसकी कंडीशन आपके सामने है कि ये बहुत ही पुरानी मॉडल की है। 800 जिन लोगों के पास है वो लोग इस वीडियो से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं छोटी छोटी डिटेल्स में कि क्या काम हुआ इस गाड़ी में और क्या स्पेशल काम और कैसा काम आपको कार स्टाइल में होते हुए मिलता है, चाहे नई हो चाहे पुरानी गाड़ी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. ये है गाड़ी की कुछ बिफोर लुक आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी इसमें सीट कवर्स जो हैं वो लग चुके हैं एंड अभी इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। सो गाड़ी को बिल्कुल ही स्टॉक लुक में रखा गया है, स्टॉक कंडीशन में ही रखा गया है। इसमें ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जिसको चटकदार या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जिसको बोल सकते हैं, वैसा कोई भी इसमें काम नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ही ये गाड़ी जिन भैया की ये गाड़ी थी, दिस कार इज़ बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो इसी वजह से इस गाड़ी को बहुत डेलिकेटली मतलब इस गाड़ी में काम किया गया है। हर एक जो भी छोटी छोटी डिटेल्स आफ्टर ऑल कार स्टाइलिंग में काम हो रहा है तो वो चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है कि एक एक आपकी गाड़ी की जो भी फिट एंड फिनिश होती है वो उसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है इस काम को। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए हैं इस काम को करने में। सो स्टेयरिंग का भी अगर आप देखेंगे फीडबैक तो काम अभी चल ही रहा है। सो ये सारी चीज़ों को अब हम लोग छोड़ते हैं और अब आपको मैं इस गाड़ी का फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो गाइज, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या इस गाड़ी में ऐसा खास हुआ है कि जिसको आप लोगों को देख के समझ में आएगा कि हाँ भाई, कार स्टाइलिंग में जो आपको काम करके देता वो पूरे पटना में कोई नहीं करके देने वाला है। एक एक मैं आपको डोर पैडिंग की फिनिशिंग दिखाऊं तो ये पूरा लेदराइट लगाया गया है, पूरी तरीके से कस्टमाइज है। एक एक स्टिच वर्क देखिए, एक एक डिटेल्स देखिए जो इस गाड़ी को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। इतनी पुरानी गाड़ी में भी किस तरीके से किस फिनिशिंग से काम किया जाता है ये सारे आपके सामने। ये कोई बकेट सीट कवर्स इसमें नहीं इंस्टॉल्ड है, ये पूरी सीट्स जो है कस्टमाइज होती है कार स्टाइलिंग में। यही स्पेशलिटी है जो कि कार स्टाइलिंग को डिफरेंट बनाती है बाकी जो भी रिटेल आउटलेट्स है पटना में। एंड अगर अब मैं बात करूं इस गाड़ी की स्टीयरिंग की, आप देख सकते हैं कि एक एक जो स्टिचिंग है, एक एक जो फिनिशिंग आई है कितनी प्रीमियम लग रही है। एक एक क्वालिटी पे, बहुत माइनर डिटेल्स पे इस गाड़ी पे काम किया जाता है। एंड जिनकी ये गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा इस गाड़ी से कनेक्टेड थे, सो इस वजह से इस गाड़ी को बहुत ही स्टॉक लुक के साथ में, इसमें ज़्यादा कोई चटकदार या ऐसा बोल सकते कि वैसा कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में स्टॉक लुक में इस गाड़ी को तैयार किया गया है क्योंकि कस्टमर की नीड भी वैसी थी। एंड आई ऑल्सो थिंक कि ज़्यादा अगर आप रेड वेड या ऐसा कुछ करते तो इस गाड़ी में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता था, बट जो काम अब हुआ है, जो ये कलर थी इस गाड़ी के साथ, बहुत अच्छी लग रही है। सो पीछे की सीट्स की अगर हम बात करें, सो आप देख सकते हैं कि एक एक फिनिशिंग, एक एक स्टिचिंग, ये जो पाइपिंग रेड कलर की यूज़ की है, द कॉन्ट्रास्ट विद द कार, इट लुक्स सुपर प्रीमियम, सुपर ग्रेट। एंड
ओवरऑल आप एक एक डोर पैडिंग पीछे वाली भी देखिए, हर एक जो फिटमेंट आई है, जो इसमें क्वालिटी काम किया गया है, मानिए ना मानिए, अच्छे काम को करने में कम आपको 2 दिन देना पड़ेगा, एंड इसमें 2 दिन का करीबन टाइम लगा है क्योंकि एक क्वालिटी डिलीवर करना था कस्टमर को। सो इस वजह से हर एक काम में फिनिशिंग, हर एक काम की फिटिंग आपके सामने है दोस्तों। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये गाड़ी और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक के बटन को दबा दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो, और घंटी को भी दबा देना ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान रखें।